तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं, जिसके द्वारा दोस्तों आप प्रिडिक्शन करके पैसा अर्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी यहाँ पर इस एप्लीकेशन में हर रोज़ यहाँ पर हज़ारों रुपये अर्न कर सकते हैं, जिसके एप्लीकेशन का नाम है तकसाल। जी हाँ दोस्तों, तकसाल एक मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप घर बैठे हज़ारों रुपये अर्न कर सकते हैं। खास बात दोस्तों इस एप्लीकेशन में यह है कि अगर आप इस एप्लीकेशन में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, सीधा का सीधा आपको 9 गुना पैसा रिटर्न में मिलता है। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर 900 रुपये रिटर्न में मिलेगा। खास बात इसमें एप्लीकेशन में यह है कि आपको इस एप्लीकेशन में 200 रुपये का रिडीम भी मिल जाता है, और दोस्तों आपको जो पैसा है, आपका जो पैसा है वो तुरंत आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आज से ही पैसा कमाना शुरू कर दें। और दोस्तों एक बार इन्वेस्ट करने से पहले आप लोग इसकी विनिंग लिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, उसमें कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है वो अप्रैल माह के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उनको बता दूँ। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान की खबर है, इसमें आप सभी को पता है कि अभी जो NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है, 5वें फेज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी 1 से लेकर 5 फेज़ को मिलाकर जो जितने फॉर्म डाले गए थे इसमें 1,25,00,000, तो इसमें सारे जो अभ्यर्थी हैं वो कवर नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिया हुआ है, रेलवे ने नोटिस में कहा है कि जिन अभ्यर्थियों का नंबर 5वें चरण में भी नहीं आया है उन्हें आगे के चरणों में शामिल किया जाएगा। यानी कि इतना कन्फर्म है कि इसका जो 6ठा फेज़ है वो कन्फर्म होगा। ठीक है, तो 27 मार्च तक तो ये एग्ज़ाम चलेंगे 5वें फेज़ के, उसके बाद 6ठा फेज़ है, उसमें लगभग 13 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे। मैं आपको एक खबर और बता देता हूँ, इसमें देखिए ये राजस्थान पत्रिका की खबर है, 5 तारीख की खबर है, इसमें भी दिया हुआ है कि अप्रैल मई में प्रारंभ होगी लिखित परीक्षा। यानी दोस्तों इसमें भी डेट नहीं दी गई है, अप्रैल मई, या अप्रैल में शुरू होगी या मई में शुरू होगी, इसमें डेट कोई क्लियर नहीं की गई है। तो अप्रैल में तो नहीं हो पाएगी क्योंकि NTPC का एग्ज़ाम जो 6ठे फेज़ का एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस बार जो आपका सिलेक्शन है वो ज़रूर होगा, और आप अपनी तैयारी खूब तेज़ कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपको इस तरह के वीडियो देता रहूँ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।